So hi and welcome to this another episode with me, Arshu. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 MBA colleges for HR. यहाँ पे हमने ABC को नहीं रखा है, बट हमने ABC के अलावा कई सारे ऐसे colleges हैं. अगर आप HR as specialization देख रहे हो तो आप इनको target कर सकते हो. वैसे majority of जो colleges इस list में हैं उनके लिए आपका profile या फिर जो भी exam आपने दिया है जो ये accept करते हैं वो अच्छा होना चाहिए. अगर आपका percentile उतना अच्छा नहीं है, you wanted to know that मेरे percentile के हिसाब से मैं HR के लिए कौन से colleges target कर सकता हूँ, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. बट अभी हम स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट को. लेट्स गेट स्टार्टेड. So welcome back to this episode, and what I'm going to talk about is top 10 MBA colleges for HR. Let me just start this episode with giving you a very important information. Usually क्या होता है, हम जब भी कोई college shortlist कर रहे होते हैं तो हम उस college का average package देख रहे होते हैं, but हमें उस college का average package, हम जो specialization में जाना चाहते हैं उसके लिए देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप लेट्स से आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा है तो मोर और लेस सारे कॉलेजेस ही कहीं ना कहीं जो मिलेंगे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, अच्छे ही होंगे. बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, लेट्स से अगर किसी कॉलेज को आप देख रहे हैं उसका एवरेज पैकेज 10 लाख का है या 9 लाख का है, तो उसका HR का पैकेज हो सकता है 5-6 लाख का भी हो. इतना वेरिएशन होता है. तो कॉलेजेस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से टारगेट करना है समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. We'll start with the list of colleges जहाँ पे हम बात कर रहे हैं. Xavier School of Management, which is Auxiliary जमशेदपुर का कॉलेज है, 32 लाख का एवरेज पैकेज है. जैट के थ्रू आप इसको टारगेट कर सकते हैं. ये HR के लिए काफ़ी नोन है. मैंने अभी रिसेंटली एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था. ही सैड कि जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, राइट, जो हायरिंग के लिए जाती हैं, वहाँ पे अगर आप HR देखोगे तो आपको कोई ना कोई Auxiliary का एलुमनाई मिल जाएगा, एंड वो कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट. तो दैट इज Xavier स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. देन वी हैव MDI गुड़गांव ऑन द लिस्ट. MDI की अगर हम बात करें, कैट एक्सेप्ट करता है, जैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 85-90% कट ऑफ है एवरेज, सॉरी 90% कट ऑफ है. 27.67 लाख का कहीं ना कहीं एवरेज पैकेज है. ये HR के लिए काफ़ी नोन कॉलेजेस में आता है. देन वी हैव SEMHRD पुणे, जो कि HR के लिए ही है. ये कॉलेज में जो आप बीच में HR देख रहे हैं, दैट मीन्स सिम्बियोसिस का ये कॉलेज स्पेसिफिकली HR के लिए काफ़ी नोन है. 23,71,000 का एवरेज पैकेज है. स्नैप के थ्रू आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसके लिए कट ऑफ जो है वो 95% 94% कहीं ना कहीं रहता है. देन वी हैव दिस विच इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, जो कि अगेन अ कॉलेज विच इज नोन फॉर HR. इनमें से कई सारे कॉलेजेस हैं जिनके नाम में ही काफ़ी स्पेसिफिक है, HR स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं. फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे 2 लाख से कम का है और एवरेज पैकेज 22,07,000 का है. सो ये कॉलेज ना कि सिर्फ HR के लिए नोन है बट ऑल्सो रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट प्रस्पेक्टिव से भी काफी अच्छा है. देन वी हैव IIM रांची इन द लिस्ट. एवरेज पैकेज IIM रांची का 17.3 लाख का है. आप किसी भी IIM, बेबी IIM, न्यू IIM में 92% प्लस पे अप्लाई कर सकते हैं. कई सारे IIM का कैप के थ्रू भी प्रोसेस होता है जहाँ पे यू कैन अप्लाई थ्रू अ सिंगल वीडियो टू मल्टीपल IIM, एंड उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं इनरोल कर सकते हैं. IIM दिल्ली कैट जैट 90% HR के लिए आप टारगेट कर सकते हैं. 15,02,000 का कहीं ना कहीं एवरेज पैकेज है. आप IIM इंदौर रख सकते हैं लिस्ट में. IIM इंदौर का इस साल का थोड़ा सा इंटर्नशिप को लेके, समर इंटर्नशिप को लेके बहुत अच्छा फीडबैक नहीं रहा है. ऐसा सुनने में आया है कि आधे से ज़्यादा बैच कहीं ना कहीं अनप्लेस है. इट माइट बी ड्यू टू रिसेशन, बट फिर भी प्लेसमेंट्स के टाइम में आई मीन स्टिल व्हेन इट कम्स टू IIM, इट इज अमंग दी टॉप 10 IIM इन इंडिया. 30 लाख का एवरेज पैकेज है. इस साल का प्लेसमेंट क्या रहता है दैट वील सी, बट दिस इज समथिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दी समर इंटर्नशिप एज एन ऑप्शन. SIBM पुणे मार्केटिंग के लिए वैसे नोन है बट आप इसको HR के लिए भी टारगेट कर सकते हैं. 26,77,000 का एवरेज पैकेज है. स्नैप के थ्रू 98-99% कट ऑफ पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं. NMIMS मुंबई, राइट, NMIMS के कई सारे कैंपसेस हैं. NMAT के थ्रू, लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपैरेटिवली कैट जैट से काफ़ी इजी होता है. NMAT आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं जिसको आप देख के कई सारे ड्रीम कॉलेजेस थ्रू दिस एग्जाम टारगेट कर सकते हैं. 26,63,000 का एवरेज पैकेज है और ये HR के लिए काफ़ी नोन कॉलेजेस में है. कैंपस बहुत सारा सुंदर है. यू फील लाइक आप किसी मॉल में आ गए हैं, एंड नीचे I mean, जो कैफेटेरिया है वहाँ पे वो पूरा एकदम ऐसा लगेगा 5-star होटल का वाइब दे रहा है. तो कैंपस भी सुंदर है और कॉलेज का प्लेसमेंट भी अच्छा है. IIT खड़गपुर, राइट, IITs, कई सारे IITs आर डूइंग क्वाइट बेटर देन कई सारे बेबी IIM और न्यू IIM. कैट के थ्रू सिर्फ ये एक्सेप्ट करते हैं. 22.13 लाख का एवरेज पैकेज है.
अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो यू नो 90+ percentile आप टारगेट कर सकते हैं. देन XIM यूनिवर्सिटी विच इज 20 lakh एवरेज पैकेज, और अगेन यू कैन टारगेट दिस थ्रू यू नो कैट and whatever the other examination you're going to. So these are the list of top 10 colleges for HR. इसमें ABC नहीं है, ABC हमेशा ही हर specialization के लिए known है. But other than ABC, I mean there's so many other private colleges and other colleges which are quite known for HR. Do share this episode with your friends, and for more video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.